हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। दोस्तों हम लोग का सफ़र शुरू हो रहा है यहाँ टाटा नगर रेलवे स्टेशन से राउरकेला रेलवे स्टेशन तक, और उसके बाद कहाँ जाना है आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोग की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आने वाली है, तो हम लोग यहीं पे आके बैठे हुए हैं। और ये राइड बोले तो ये अनुपा का फर्स्ट जर्नी है ना, और मेरा भी टाटा टू राउरकेला रूट में फर्स्ट जर्नी है। उधर कभी टाटा रूट से गए नहीं हैं, लेकिन इस बार जाके देखेंगे कैसा है एक्सपीरियंस, आपको शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं, ट्रेन आती है फिर मिलते हैं। हमारी ट्रेन 5:45 में आएगी, आप ये देख सकते हैं सबके यात्री खड़े हैं। और ट्रेन का नाम है उत्कल एक्सप्रेस, जो कि पूरे से आ रही है और फिर राउरकेला होते हुए उधर दिल्ली साइड जाएगी। अनुपका ये फर्स्ट जर्नी है, तो इसका एक्सपीरियंस बताएगी। देख सकते हैं ट्रेन पहुंच गई है, अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, हम लोग का सफ़र हो गया शुरू। और देख सकते हैं पूरा सब तरफ कोहरा, धुंध सब तरफ, पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाते हैं नज़ारा। ट्रेन में चढ़ी कि नहीं चढ़ी, पूरा खाने ही शुरू राक्षस जी से, ऐसे लग रहा है कई जन्मों से खाई नहीं है। अभी हम लोग चक्रधरपुर CKP पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं इधर का। लगता है गुफा आने वाला है, देख सकते हैं गुफा में कुछ अंधेरा नहीं, पूरा अंधेरा है बाहर में, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं बस हम लोग ट्रेन। सुरंग बहुत लंबा था कि जो भी था, देख सकते हैं अभी निकल चुके हैं ट्रेन आगे। इधर नीचे देख सकते हैं और एक रेलवे ट्रैक है जो कि हम लोग से बहुत नीचे में है, ये भी सुरंग से होके जाती है, लेकिन ये पहले सुरंग में प्रवेश करती है, हम लोग का बाद में। नीचे में है देख सकते हैं जिसको नज़र आ रहा है। इधर देखिए हम लोग जैसे जैसे राउरकेला की ओर बढ़ रहे हैं, धुंध कोहरे बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। रात हो रहा है या दिन कुछ पता चल ही नहीं रहा है, फिर भी नज़ारे का लुत्फ़ उठाएँगे। ठंडा लग रही है लेकिन भी कोशिश करेंगे ठंड से बचेंगे और आप लोगों को नज़ारे दिखाएँगे, खुद भी देखेंगे। हमारे ट्रेन की गति में परिवर्तन ये कोहरों ने कर दिया, नज़ारे देखने के चलते खिड़की के साथ खोल के बैठे हैं, ठंडा लग रहा है लेकिन क्या करें, नज़ारा भी देखना है। इस कोहरे सफ़र में चाय के साथ ठंडे ठंडे में थोड़ा गर्म हो जाए। हमारे इस सफ़र में एक दीदी भी मिल गई है जो कि सिमडेगा तक जाएगी हमारे साथ, पता नहीं लेकिन हम लोग सिमडेगा बस से जाएँगे कि ट्रेन से जाएँगे वो समझ नहीं आ रहा है। आप पहुँचते हैं राउरकेला तभी पता चलेगा हम लोग क्या चीज़ से जाएंगे। लोग कहते हैं चाय पीने से गर्मी लगता है, लेकिन चाय पकड़ने से हमको ठंडा लगने शुरू हो गया है, हो गया ना जी, भली बात। सब तरफ का नदी में पानी रहता है साफ, यहाँ का पानी है थोड़ा गंदा है बोले तो रेड रेड। अनुपा को भूख लग रहा है, जाके कोई कुछ ले के आओ अनुपा के लिए। अभी हम लोग हाथियों के इलाके में पहुँच चुके हैं, अगर हाथी नज़र आएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, इसलिए आप भी अपने नज़रें टिका के रखिए, क्या पता कहीं पे हाथियों का झुंड आप लोगों को दिखने को मिलेगा। फाइनली हम लोग का राउरकेला तक का सफ़र समाप्त होने वाला है, आप पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग फ़िलहाल पहुंचे हैं बंडा मुंडा, यहीं से हटिया जाने के लिए अलग होती है जो रूट राउरकेला टू हटिया,
और जहाँ हम लोग हैं ये रौकेला टू टाटा, देख सकते हैं इधर का पहाड़ सब, ये सारे पहाड़ों में खजाना है, खजाना जिसको खोदने का काम यानी खोजने का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है, जब होगा तब होगा देखा जाएगा। अनुपा को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उस पहाड़ में खजाना है, बता। नहीं है, कैसे वहाँ कुछ ना रख के जाएगा? रख के जाएगा, मेरा पूर्वज लोग रख के गया होगा शायद। अब बताइए, पहुँच गए रौकेला, पहुँच गए। अब बताइए क्या पहाड़ में खजाना है या नहीं? मंदिर आ गया। मंदिर? हाँ हाँ, अरे मंदिर है यहाँ, खजाना को छोड़िए यहाँ पे मंदिर है, लेकिन मंदिर भी कोई खजाना से कम नहीं। मैं यही बोलना चाह रहा था लेकिन मंदिर भी याद नहीं आया, देख नहीं पाए इसलिए, लेकिन खजाना है। जमाने में कभी वैज्ञानिक को भेजेंगे या साइंटिस्ट लोग को भेजेंगे यहीं पे खोजने के लिए खजाना। अगर आशिक वॉच के कोई मेंबर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरी बहन अनुपा आपकी बहुत बड़ी फैन है, बोले तो आपके डांस ग्रुप की, रौरकेला में है अभी, इसलिए आपको याद कर रही है, मिलना चाह रही है, लेकिन मैं अभी नहीं मिला सकता हूँ, कभी फ्यूचर में मिलाऊंगा ज़रूर। हम लोग रौरकेला पहुँच गए फाइनली, इस ट्रेन के साथ भी यहीं तक सफ़र हम लोग का समाप्त हुआ, रौरकेला जंक्शन पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से टिकट लेंगे, उसके बाद चलेंगे बानो, आप लोग को दिखाते हैं उधर का भी नज़ारा कैसा है। चलिए ट्रेन से पहले तो उतरते हैं हम लोग, रौरकेला रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए हैं, लेकिन मैं तो ठंडा में कांप रहा हूँ, नज़ारा देखने के चक्कर में खुद को ही ठंड के में झोंक दिए, क्या करें, नज़ारा के चलते कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, ठंडा हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं धूप निकला हुआ है, तो हम लोग रौरकेला स्टेशन के बाहर जो एंट्री गेट है मेन गेट वहाँ पे खड़े हैं और धूप तपा रहे हैं, अभी हम लोग की ट्रेन नहीं है, 10:30 बजे है, तो फिर उसका वेट कर रहे हैं। इधर देखिए यहाँ क्राउड कैसे रहता है। ठीक है, दीदी जा रही सिमडेगा बस से और हम लोग जाएंगे ट्रेन से, अभी 9:30 बजे के बाद टिकट मिलेगा, टिकट लेंगे फिर चल जाएंगे। फाइनली मैंने अपना टोपी तो उतार ही लिया, देख सकते हैं, और हम लोग टाटा से निकले थे पूरा अंधार में सुबह सुबह, इसीलिए ठंडा लग गया, और अभी हाँ रौरकेला ना के धूप तक पार हैं। हम लोग रेलवे रेस्टोरेंट में घुस गए हैं और अभी बड़ा मंगाए हैं, खाएँगे, भूख लग रहा है, इसलिए हम लोग अभी एक्साइटमेंट में बैठे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मीनू प्राइस, यहाँ पे चिकन बिरयानी सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग का ट्रेन भी लेट हो जाएगी, बोल के हम लोग नहीं खा रहे हैं अभी, बस सांभर बड़ा से काम चलाएंगे आज के लिए नाश्ता, फिर उधर देखना होगा जो खाना मिलेगा, अभी जाएंगे टिकट ले, टिकट नहीं कटाए हैं, नहीं मिल रहा था, अभी जाएंगे फिर ले लेंगे, देख सकते हैं मिल गया हम लोग को ताज़े ताज़े गरम गरम सांभर बड़ा, मैंने पका रही तभी से भूख के मारे आग बका चल रही थी, अभी सांभर बड़ा खा के मज़ा आ गया, पेट भर गया। जैसे आप लोग देख रहे दोस्तों ये है रौरकेला रेलवे स्टेशन, नज़ारा कुछ है, मैं आपको सारा नज़ारा तो नहीं दिखा सकता हूँ जो कि मैं अपने आँखों से देखा, आप कभी आइएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा, हम लोग को तो अच्छा लगा। और अनुपा पहली बार ट्रेन चढ़ी थी, इसका एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, क्या कैसे लगा अनुपा बताओ? जैसे आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों ये रौरकेला का सबसे टॉप ऊँचाई पर है, देख सकते हैं वहाँ पर मंदिर है, वैष्णवी मंदिर, और वहाँ से पूरा शहर आपको, रौरकेला शहर आपको पूरा नज़र आएगा, देख सकते हैं वहाँ से आप रेलवे स्टेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। गूगल में पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आ रही थी, हम लोग 2 से 4-5 की ओर आ रहे हैं, यहीं पे शायद ट्रेन आएगी, तो इधर वेट करते हैं, ट्रेन थोड़ा सा लेट है इसलिए हम आ रहे हैं, नाम में वेट है इसलिए वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगी फिर चलेंगे और इधर का एक्सपीरियंस बताएंगे, शेयर करेंगे। अनुपम से तो बानो पहुँच के पूछेंगे कैसे लगा, क्या सही है ना? फाइनली पता चल गया है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आ रही है, ट्रेन आ ही नहीं रही, हम से आगे बैठ बैठ के जो खाए थे सांभर वड़ा वो भी पच गया, एप्पल खाते हैं। ट्रेन 1.5 घंटा लेट है, 1.5 घंटा लेट आने के बाद फाइनली आ ही गई और बैठ गए हैं, हम लोग बैठे हैं झारसुगड़ा हटिया पैसेंजर में, देखते हैं कितना देर में बानो पहुंचाती हैं, हमको तो जहाँ तक लग रहा है 1.5 घंटा लगेगा, पूरा अनसा आ गए हैं बैठ बैठ के, क्या करें, लेकिन
जाना तो जाना है। अगर आप लोग भी उस चट्टान से राउरकेला के व्यू देखना चाहते हैं, मतलब वही पहाड़ से राउरकेला के व्यू देखना चाहते हैं, तो आप राउरकेला के ब्लॉगर लोग का चैनल में जाके देख सकते हैं। वो लोग यहाँ एक्सप्लोर कर लिया है। ट्रेन खुली तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो एकदम बोरिंग फील आ रहा था। अब पता नहीं कितना जगह झुकड़ 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 रुकते रुकते जाएगी, अब तो पहुँचेगा तभी पता चलेगा। ट्रेन का डिब्बा सब पूरा खाली हो गया है। इधर सोकड़ा हटिया पैसेंजर है, पूरा खाली है डिब्बा सब, लेकिन पता नहीं बीच बीच में रुकते जाएगी तो फिर खाली वाला सब सीट भर भी सकता है, पता नहीं। अब देखते हैं क्या होता है लाइफ में। निकल चुके हैं राह पे, धीरे 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 धीरे, अब पता नहीं, देखते हैं कब स्पीड पकड़ेगी। मैं गेट के पास आया हूँ और व्यू का आनंद ले रहा हूँ। देख सकते हैं कुछ बैकग्राउंड में दिख रहा है और मैं हूँ गेट के पास। बस मोबाइल नहीं गिरना चाहिए। और इधर देख सकते हैं पूरा यहाँ इंजन का भरमार लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंजन यहाँ रखा हुआ है। रिपेयरिंग के लिए कि नया बनता है नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। देखने में कैमरा में इतना कैद नहीं हो रहा है, लेकिन आँख नग्न आँखों से बहुत ज़्यादा मस्त दिख रहा है। और देख सकते हैं यहाँ का घर का जो रेलवे का क्या चीज़ है नहीं मालूम, क्वालिटी देख रहे हैं पार्टी घर हो तो इस टाइप का। देखिए ऐसा है इधर का लुक, उधर खड़ा हुआ है सब, इधर टोटल इंजन बस है। इंजन का आराम करने का जगह होगा या क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन टोटल इंजन है इधर। ये पैसेंजर ट्रेन है इसलिए जगह जगह पे जहाँ पे चेन खींचा मतलब वहीं पर रुक जाना है, ऐसा है। काम चल रहा है इसलिए ट्रेन रुक गई है, देख सकते हैं पूरा सामने में। जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। ओड़गा स्टेशन में बोले तो झारखंड प्रवेश हो गया है, देख सकते हैं पीछे तरफ काम चल रहा है इसलिए हम लोग रुके हुए। ट्रेन भी सामने में है, ट्रेन के जस्ट सामने। फाइनली आधा घंटा का ब्रेक के बाद ट्रेन हो गई स्टार्ट, ओड़गा को छोड़ के जा रही है। फाइनली 3 घंटा लेट बाद पहुँचे हैं बानो रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं हम लोग का बस भी छूट गई होगी अभी तक। अब जाके ऑटो में जाना पड़ेगा कोलेबिरा, फिर कोलेबिरा से बदली करना होगा, तो कोई उपाय नहीं है बस का। देख सकते हैं बानो में भी बहुत सारे यात्री वेट कर रहे थे। अनुपा फर्स्ट टाइम ट्रेन में चढ़ी थी और बहुत देरी तक ट्रेन के साथ रही, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताओ कैसा रहा? आज का सफ़र थोड़ा अच्छा भी था ख़राब भी था, लेकिन हाँ पैसा भी बचा और अनुपा का सपना भी पूरा हो गया ना दोस्तों। हम लोग अपना
घर तक तो आप नज़दीक में ही हैं, अभी जाएंगे, अभी इसको नहीं दिखाएंगे कहे कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए बस यहीं तक आप लोग से रहेगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।